ਉਹ ਸਾਹ ਦੇ ਹੋਏ और ये आपने देखा होगा भाई को एक और ब्लॉग में, तो उस दौरान क्या हुआ था ना, तेंदुए का इतना खतरनाक आतंक था कि इसकी फैमिली वालों ने मना कर दिया कि यार ये नहीं आएगा तुम्हारे साथ कैंपिंग में। बहुत गर्म है यार। तो ये निशान की प्लेट, मजा आ गया। बहुत सॉफ्ट हो रहा है। ऊपर है यार, सही कह रहे थे आप, एक बार और धाड़ देना मजा आ जाएगा। ये लोकेशन परफेक्ट है ना, सही लग रही मुझे तो। सो ही गाइज, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। तो गाइज, काफ़ी टाइम बाद यार मेरे साथ आ रहा है शान, और ये आपने देखा होगा भाई को एक और व्लॉग में, तो उस दौरान क्या हुआ था ना, तेंदुए का इतना खतरनाक आतंक था कि इसकी फैमिली वालों ने मना कर दिया कि यार ये नहीं आएगा तुम्हारे साथ कैंपिंग में। तो खैर, ये भी डरा हुआ था, ये भी खुद ही मना कर रहा था, लेकिन आज भाई परमिशन के साथ मेरे साथ आया हुआ है। तो खैर, आज परमिशन तो है, लेकिन डर लग रही क्या? आज नहीं है डर, आज निकाल के आया हूँ। आज डर निकाल के आया भाई। बाकी अपनी लोकेशन मिल गई है, ये पूरा जंगल है चारों तरफ। बाकी अभी अपना जो सनसेट है वो हो चुका है यहाँ पे, तो जल्दी से अपनी लकड़ियाँ वगैरह ढूंढते हैं और उसके बाद अपना कैंप सेट करते हैं, ठीक है? और तो प्रोसेस शुरू करते हैं, या उससे पहले पानी ले आए? पानी ले आते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना गाइस, पानी ले आते हैं, क्योंकि अपने पास पानी नहीं है, जर्किन खाली है, और पानी लाने के बाद हम लकड़ियाँ वगैरह लेके आएंगे। तो जल्दी से पहले पानी ले आते हैं। ये एक कुदरती झरना है और आप देख सकते हो बहुत ऊपर से इस पर पानी आ रहा है, तो हमें यहाँ पे चाहिए पानी। ओ साहब देखो, ये वाला गया ना। अच्छा, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये ऊपर गया, ऊपर आ गया। इसे बिल नहीं मिल रहा यार, वैसे इनको छेड़ना बेकार है। मैंने आधा ही जर्किन भरा था, लेकिन सांप दिख गया था भाई को, तो निशान को सांप दिख गया था, तो मैं सांप देखने आ गया था। तो पहले इसे भर लेते हैं फुल। साथ ही साथ मैं भी बिक गया हूँ यार यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से झरना आ रहा है। अभी सांप भी अपना चला गया, और पानी ले जाते हैं अपने कैंप की तरफ को। पानी हम ले आए, और बाकी आपने सांप दिखा यार, कितना खतरनाक सांप है यार वहाँ पे। वो शायद पानी वाला सांप था, पानी वाला भी हो सकता है, पानी वाला ही था वो शायद। हाँ, मेरे हिसाब से हाँ, बहुत शाइन कर रहा था। तो अपना जल्दी से टेंट लगाते हैं, या उससे पहले लकड़ियाँ ले आए? लकड़ियाँ ले आते हैं, अंधेरा हो जाएगा। हाँ, अंधेरा होने से पहले सबसे पहले आज टेंट पिच नहीं करते, सबसे पहले लकड़ियाँ लेके आते हैं। तो
गाइस, सही है ना? चल यार, ये वाला सही लग रहा है मेरे को, सूखा पेड़ है ना। हाँ तो इसे काट लूँ। हाँ हाँ ऐसे निकालने पड़ेंगे इसे, छोटे छोटे पीसेस। डंडे जोड़ू मेन कवर है ना, वो अभी नहीं डालते इस पर क्योंकि गर्मी हो रही है यहाँ पे थोड़ा सा अभी, और ठंडी हवा भी चल रही है, इसलिए थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए अभी इसे खोलते हैं। तो गाइस फाइनली अपना टेंट सेट हो गया है यहाँ पे, लाइट वगैरह सेट हो चुकी है, और आज अपने पास दूसरा चूल्हा है जिसपे अपना आज डिनर बनने वाला है। आजकल क्या है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिरूल हो रखा है, ये जो पिरूल होता है ना बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो आग लगने का खतरा बहुत होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, पिरूल हटा लेंगे, हटा देंगे है ना। तो पिरूल हटा के इसमें बढ़िया सी यहाँ पे कैंप फायर करते हैं, थोड़ा सा पेड़ भी बचा के, क्योंकि पेड़ भी है यहाँ पे, उसकी साइड को थोड़ा सा पत्थर वगैरह लगा देंगे। तो करना पड़ेगा पिरूल को इकट्ठा ही कर देते हैं, यहाँ पर को आग जलाने में आसानी रहेगी है। हाँ पेड़ बचाना जरूरी है ना। हाँ पेड़ में आग नहीं लगनी चाहिए। ये वाला पिरूल की बात करूँगा, इसमें इसे हटाना है, इसे हटा के दूसरी साइड को कर देते हैं। तो लकड़ी इसके अंदर डालोगे हैं? लकड़ी, हाँ लकड़ियाँ इसके अंदर आएगी। अब इसको सही से जलाना पड़ेगा ना। ऊपर से पिरूल डालो थोड़ा और। तो बुझ गया, लकड़ी पकड़ लेती ना आग। इससे थोड़ा सेफ भी रहेगा क्योंकि जंगलों में आग लगने का बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है, क्योंकि पिरूल हो रही है। तो इस तरह का कुछ मैंने जुगाड़ किया है इस बार। तो इसमें क्या है, अपना एक तो गैस कैन भी बचेगी, जो अपना सिलेंडर होता है ना ब्यूटेन वाला, वो भी बचेगा, और दूसरा क्या है कि जो अपने नेचुरल जो टेस्ट है ना वो आएगा यार खाने में। तो ये अपने आप जलता है धीरे धीरे, और बाकी हमारे पास छोटी लकड़ियां हैं और कुछ लकड़ियाँ बड़ी है, वो देखा बड़ी वाली। बहुत बढ़िया, ये तो टूट जाएगी, टूट जाएगी तो आसानी। बड़ी वाली देना, बड़ा वाला, मोटा वाला है। हाँ गिंदा लाओ, इसको मैं तोड़ता हूँ, इसको पता नहीं। निकाल दो क्या? हाँ यहाँ पे अपने पास ना ठीठे भी है, ठीठों से ही काम चल जाएगा, और दो चार ठीठे और हैं तो इनसे ही काम चल जाएगा। बाकी अपनी आग यहाँ पे मस्त जलती रहेगी, पेड़ को भी कोई नुकसान नहीं है। और सबसे पहले कॉफ़ी बनाते हैं अपनी, अपनी आग यहाँ पे बढ़िया जल रही है, और साथ में कॉफ़ी भी बनाएंगे आज। वैसे कॉफ़ी के लिए ज़्यादा तामझाम है नहीं, हमारे पास इंस्टेंट कॉफ़ी है,
तो खाली हमको पानी बॉईल करना है और इंस्टेंट कॉफ़ी पीनी है। ग्रुप कैंपिंग करने में कितना मजा आएगा वैसे? ग्रुप कैंपिंग में तो अपनी मजा आया भाई। ये है गाइस इंस्टेंट कॉफ़ी और इसमें ऑलरेडी मिक्सचर रहता है इसका, चीनी और चीनी हो गया, दूध पाउडर और इसमें कॉफ़ी, तीनों मिक्स रहती है ऑलरेडी। मैं अब सिर्फ पानी मिलाना रह गया है, बाकी अपनी कॉफ़ी रेडी हो जाएगी। काफ़ी अमाउंट है। हाँ मार रहा है पानी। दाल तो ही बन गई है। तो साथ में अपने है रस, एक नंबर हो रही कॉफी। कॉफी बहुत सही हो रही यार, मजा आ गया। बाकी इसको ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हमें वो करना चाहिए, मिलाया नहीं हमने। बाकी रस तो टूट रहा है इसमें मिलाने तक, तो ये भाई इतना गर्म हो रहा है ना। हाँ मिलाने तक इसमें बहुत गर्म है कॉफी अभी। कितनी लाइटें रख रहे हैं यार भाई। इसमें डालना थोड़ा पानी। ठीक है तो गाइस चिकन के लिए, जो ये चिकन है ना अपना, इसके लिए मसाला बना लेते हैं। तो सबसे पहले मसाले के लिए रेड चिली हो गया, कहीं दूर से डीजे की आवाज़ आ रही है ना। हाँ शादी हो रही शायद। हाँ कहीं तो है। और थोड़ा सा इसमें हल्दी, बाकी इसमें धनिया पाउडर, नमक, नमक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि पूरा मैरिनेट करना है अच्छे से। और इसमें गरम मसाला, किसके अपने दो मसाले हैं, एक चिकन मसाला और एक जिंजर गार्लिक, इनको भी इसमें ही मिक्स कर लेते हैं। ये आ गया चिकन मसाला और ये आ गया जिंजर गार्लिक पेस्ट। मेन इसका मैरिनेशन दही, इससे अच्छा मैरिनेट होता है। वैसे मैं दही कम यूज़ करता हूँ। मैं डाल देंगे अपना मैगी मसाला। ये ना मैगी मसाला वैसे बहुत कम डालते हैं लोग,
बहुत लोग डालते नहीं है, बट इससे जो इसका जो टेस्ट है ना वो अलग ही आता है, क्रिस्पी टाइप। और बाकी अब इसको मिला लेते हैं। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। आलू का यूज कहाँ होगा ये? आलू का यूज होगा कहाँ होगा देखते रहो। साथ में अपना जो फ्रेंच फ्राइज है वो भी कर चुके हैं, और इसमें हम इन्हें भी मैरिनेट कर लेते हैं। पहले इन दोनों को कर लेते हैं। मुझे लग रहा है इसमें हाथ की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी भाई अब। है ना? हाँ। कम तो नहीं होगा ये मसाला? मसाला बहुत है, अभी तो फ्राइज में भी पड़ेगा ना, इसलिए तो मैंने फ्राइज नीचे से रखे हैं ताकि उसमें भी लगते रहे। हाँ, अच्छे से मसाला घुल जाएगा। हाँ, अच्छे से मसाला इन पे लग जाएगा। बचा इसकी बारी, तो सारे जो फ्रेंच फ्राइज है ये तो खैर डीप फ्राई होंगे। तो गाइस जब तक अपना चिकन मैरिनेट हो रहा है ना, तो तब तक अपने राइस रेडी कर लेते हैं। तो ये अपने चावल आ गए, और इन्हें पहले धो लेते हैं। अच्छे से धो लेते हैं इसे। परत होने के बाद अपने चावल रेडी है बनने के लिए, और इसको कैप लगा लेते हैं। सबसे पहले अपना चावल ही बनेगा, तो चावल रेडी है, और बाकी अब चावल को चढ़ाते हैं हम चूल्हे में। तो अपना चूल्हा जला रहे हैं अभी निशांत भाई, और बाकी चिकन अपना मैरिनेट के लिए रख दिया है मैंने, और फ्रेंच फ्राइज भी अपने मैरिनेट के लिए है। बाकी अपना जो राइस है ना वो रेडी है बनने के लिए, हमने इसको तैयार कर लिया है, सिर्फ इसको आग में रखना है। बाकी अपनी जो अपनी आग थी ना वो बुझ गई थी यार गाइस, क्योंकि हमारा ध्यान मैरिनेशन में ही था, और ये अभी जल रही है, लगेगा टाइम, टाइम लगेगा। बटर, तो बटर में लहसुन मिक्स हो गया ना ये, अब मज़ा आएगा। अब इसको थोड़ा रखते हैं आग के पास, जिससे ना थोड़ा मेल्ट हो जाएगा ना। यहाँ पे बटर भी मेल्ट हो गया भाई, बढ़िया से मस्त रखे देख। तो चावल रेडी है, चावल निकालते हैं, इसमें चढ़ाते हैं।
कढ़ाई जरूरत के अनुसार जलाते रहो जलाते रहो। ठीक है ना, छोटे छोटे इसमें आराम से फिक्स आराम से। हाँ सही है। तो अपने पहले फ्रेंच फ्राइज पढ़ेंगे। तो ये भी रेडी हो गए हैं। बर्गर किंग के पहले से थोड़ा सूखेंगे ना अभी ये, फिर हो जाएंगे बढ़िया। और अब बनने जा रहा है फ्राइड राइस। तो फ्राइड राइस के लिए सबसे पहले इसमें बटर डाल देते हैं थोड़ा सा, और ये जो अपना लहसुन था ना, इन्होंने बटर अच्छे से अब्जॉर्ब किया है। अब इसमें पड़ेगी शेजवान चटनी। नहीं सही है अभी तो। फ्राइड चिकन थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ना इसको साइड में, बाकी अपना जो भी चिकन है इसको कर लेते हैं। आग बड़ी जल रही यार बस आज। अभी इस पर रेन कवर भी गाइस लगाना है, रेन कवर भी लगाना है इस पर। मौसम का तो वैसे कोई भरोसा, मौसम का भरोसा नहीं है, लेकिन अपन थोड़ा सा डबल लेयर होने से ना फ़ायदा मिल जाता है, थोड़ा सा सिक्योर फील होता है। तो ये कोयलों में ही पकेगा या आग भी रहेगी थोड़ी थोड़ी? नहीं ये कोयलों में ही पकेगा, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा पकने में, मतलब ज़्यादा नहीं। तो ये आ गया, अपना चिकन रोस्ट हो रहा है गाइस यहाँ पे। इसको पलटते हैं थोड़ा सा, देखते हैं। बहुत गर्म है यार, नीचे से रोस्ट हो गया। हाँ बट इतना भी नहीं हुआ है अभी, टाइम लगेगा ना, थोड़ा सा सुखा लेते क्योंकि इसके ऊपर। हाँ अभी देखो यार, इतना भी सॉफ्ट नहीं हुआ अभी। पूरा बहुत ज़्यादा गर्म है यार, ये रोस्टेड भी हो गया पूरा ये, और साथ में फ्राइड राइस जो गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले अपने पास वैसे प्लेट तो है आज काफ़ी, दो प्लेट बना लेते हैं ना। और बाकी
बाकी ये है मेयोनीज, इसमें डाल दूं? और ऊपर से सेजवान। भाई ये साइड में डाल देता हूँ यार। मैं लगा लगा के खा लेंगे ना। मेन ये प्लेट में फोकस करना, ठीक है? ओके। तो यहाँ देखा, तो गाइज अपनी यहाँ पे प्लेट लग चुकी है। देखो यार इस तरह से खाना है, और अब इसको टेस्ट करते हैं। तो ये निशांत की प्लेट, मजा आ गया। अब बारी है चिकन की। बहुत सॉफ्ट हो रहा है। फ्रेंच फ्राइज कितने सही हो रहे ना। जबरदस्त। जबरदस्त बनाया है। जल्दीबाजी के चक्कर में हम कोल्ड ड्रिंक भूल गए। अपने साथ कोल्ड ड्रिंक भी लेके आए थे, और कोल्ड ड्रिंक हमने पीछे बैग में रखी है। इसके बिना तो ये जितना चिकन है ये पचेगा ही नहीं। खोलना। मजा आ गया भाई। तभी कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। हाँ अब सही लग रहा है भाई, है ना? क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा है, और अभी क्या है कि चिकन के पीसेज ही इतने बड़े हैं भाई, खा ही नहीं जा रहे हैं। ऊपर से चावल है और फ्रेंच फ्राइज है, तो उसके लिए कोक का होना बहुत ज़रूरी था। पर ऐसा करते हैं ना, अब रेन कवर डाल देते हैं। हाँ क्योंकि गाइस खाना हमने खा ही लिया है, बर्तन वगैरह हमने साफ करके रख दिया है, और बाकी अब इसके ऊपर रेन कवर डालते हैं, उसके बाद सोने की तैयारी करते हैं। स्लीपिंग बैग इसमें से निकाल लो। अब आ गई आफत, क्योंकि हमें फुलाना है पिलो तकिया। तो अपना पिलो रेडी है, बाकी अब स्लीपिंग बैग निकालना बाकी रह गया। बढ़िया बढ़िया, लगे रहो मुन्ना भाई, बढ़िया चीज है। हाँ नीचे की साइड रखते हैं इसको, ऊपर की साइड तो लग रहा कड़क भरी है। तो गाइस फटाफट से घुसते हैं अपने स्लीपिंग बैग में। hmm.
गुड नाइट, वही ड्रीम का। हाँ भाई, खाना तो लाजवाब था यार। हाँ। और कुछ नहीं, पेट तो मेरा भर गया भाई खतरनाक वाला। उतार लेता हूँ जैकेट, सोने में दिक्कत होगी ना। अल्लाह बिल्कुल होगी यार, पसीना ना आ जाए रात को। हाँ, तो वैसे भी बहुत गर्म है। आपने देखा, खाना वगैरह हमारा हो चुका था और बैठते बैठते अभी 12:30 हो चुका है। खाना भी हो गया अपना और बाकी पेट भी भर गया है और अब आ रही है नींद। तो बाकी गाइज, मिलते हैं आपसे कल सुबह। तो तब तक के लिए गुड नाइट। वाला अभी लॉक कर देता हूँ ना। कल की जो नींद है यार, कल रात की बहुत तगड़ी थी। मैं तो भाई सो गया था। एक तो हमने खाना इतना हैवी खा लिया था, एक ही नींद आई रात भर में। मैं तो सुबह उठा हूँ, वो भी निशांत ने उठाया कि भाई उठो, सुबह हो गई है। और अभी हो रहा है भाई 6 बजे है अभी। मस्त चली आग यहाँ पे, मस्त से अपनी आग भी निशांत भाई ने जला दी है। और इसमें रख लेते हैं अपनी केतली, तो पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं और इसके बाद बनाएंगे अपनी कॉफ़ी। नेस्कैफे की कॉफ़ी भी है, नेस्कैफे का कप भी है यार। तो गाइज़ अपनी कॉफ़ी भी यहाँ पे रेडी हो गई है और बढ़िया सी यहाँ पे धूप आ गई है और सुबह का नज़ारा ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मौसम भी आज खुला हुआ है। बिस्किट नहीं है ना? नहीं, रस्क हमने कल ही खा लिए थे सारे, अब कोई भी रस्क नहीं है भाई। तो सुबह अपनी कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, इसके बाद अपना टेंट वगैरह सब कुछ पैक करते हैं। पर यार सही कह रहे थे आप, अभी सुबह सुबह आपने आवाज सुनी? सुबह सुबह रोड सुना तुमने, धाड़ सुनी भाई?
ये वैसी हो गया है जैसे, क्योंकि ये एरिया ही वैसा है ना, मतलब यहाँ पे तेंदुआ लेपर्ड रहता ही है। रात को तो कोई आवाज थी नहीं, उस तरफ है, उस तरफ। एक बार और दहाड़ देना, मजा आ जाएगा। एक तो घना जंगल है ना, तो दिखता नहीं है, तो मैं अगर कैमरा भी कितना फोकस करूंगा तो दिखेगा नहीं। दूर है ना, एक तो वाली पहाड़ी पे है शायद। गाइस, जो मैंने पहले जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी ना, वो इसी जंगल में हुई थी, लेकिन दूसरी साइड हुई थी, दूसरी तरफ को हुई थी, जो उस तरफ है। उस वाले साइड को मैं उस दिन के बाद कभी गया नहीं हूँ, और आज मैं निशांत आई है। कल रात अगर ये आवाज़ आती ना, तो भाई हमारी हालत ख़राब हो जाती। अभी तो ये है कि ये आवाज़ अभी हम मॉर्निंग में सुन रहे हैं, वो भी चाय वाय पीने के बाद, इंजॉय होके हैप्पी मूड में। और अभी तो कोई डर नहीं है, क्योंकि उजाला हो गया है ना। ओके, तो यार तेंदुआ तो यहाँ पे होता ही है, अब कोई रोर की साउंड नहीं है, तो इग्नोर करते हैं उसे, और बाकी पैकिंग करते हैं अपनी। तो इसकी और चील की हो रही थी यहाँ पे लड़ाई, ये मुझे देख रहा, मैं इसे देख रहा हूँ। भाई काटने ना आ जाए बस, ये दूर है वैसे तो, लेकिन इतना दूर भी नहीं है। चलिए इसके पास, चलो। नहीं यार, इसको तंग करना बेकार होगा। चलो यार अपना काम करते हैं, पीछे भी आ जाता है ना। हाँ, और वो क्या बोलते हैं, अगर ये लेपर्ड की आवाज़ कल रात सुनाई देती फिर होती हालत ख़राब है ना। हाँ, फिर होनी थी वो। और 6:30 बजे तक तो ऐसा लग रहा है भाई, 9:30 बज गए। मेरी आदत थोड़ा सा गंदी है ना, मैं थोड़ा सा लेट उठता हूँ, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा जल्दी उठने की। मैं 9:30, 8 मतलब 8:30 बजे के बाद ही उठता हूँ। तो अपनी पैकिंग चल रही है, पैकिंग, स्लीपिंग बैग भी पैक हो गए हैं। बाकी अच्छा, भाई ने रेन कवर पैक कर दिया है। हाँ देना है। तो गाइज जो अपना चूल्हा है ना, वो अभी गर्म हो रहा है, तो इसको हाथ में ही पकड़ के ले जाएंगे हम अपने साथ। गर्म हो रहा है, कहोगे ठंडा हो गया पूरा, ठंडा हो गया, और झोल लग रहा है उसमें, ऊपर से नीचे से पकड़ेंगे। कोई बात नहीं, नीचे पकड़ेंगे। हाँ, इसको तो पकड़ लेना ऐसे। फाइनली अपना यहाँ पे बैग पैक हो गया है, और दूसरा चीज़ ये है कि इसमें ना कालिक लग रही है, क्योंकि ये काला हो जा रहा है हाथ, तो इसलिए हमने इसे बैग में नहीं डाला, तो इसको हम अभी ऐसे ही हाथ में पकड़ के ले जाएंगे। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो यार इस वीडियो को लाइक करना, और लाइक एम नहीं रखोगे? लाइक एम इस बार नहीं रखते यार, क्योंकि कंप्लीट होता ही नहीं है कभी, क्या पता इस बार कर दे। तो निशांत बताएगा भाई आज, अब आज निशांत की भी सुन लेते हैं, सब्सक्राइबर मेरे तो सुनते नहीं है। तो 2000 लाइक इस पे होनी चाहिए इस वीडियो पे, तो देखते हैं, और फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।